हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका क्रिएशन एंड फैशन पर। फ्रेंड्स, आज हम कुर्ती की कटिंग करना सीखेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, तीरा हमारा 6.5 इंच है, आर्मोल हमारी 7 इंच है। हमने कपड़े को पहले डबल फोल्ड कर लिया है और फिटिंग के निशान के लिए आप समझिए, फिटिंग का निशान जब भी हम लगाते हैं, जितनी हमारी फिटिंग होती है उसमें 4 इंच एक्स्ट्रा जोड़कर उसका 4th पार्ट जो निकलता है उस पर हम यहाँ पर निशान लगाते हैं। जैसे ऊपर से देखिए, फिटिंग हमारी 40 इंच है तो इसमें 4 इंच हम जोड़ेंगे तो 44 इंच, और इसका 4th पार्ट जो होगा 11 इंच, मतलब हम 11 इंच पर यहाँ पे ले लेंगे। अब देखिए, हमने लंबाई में 14.5 इंच पर निशान लगाया है और कमर का हमने 7 इंच पर, और इस दोनों के बीच में बिल्कुल हाफ 3.5 इंच पर हम यहाँ निशान लगाएंगे, क्योंकि हमें अपनी फिटिंग यहीं से लेनी है। अगर इस तरह से हम यहाँ पर फिटिंग लेंगे तो आर्मोल में कभी भी झोल नहीं आएगा। कमर हमारी 38 इंच है, उसमें 4 इंच एक्स्ट्रा जोड़कर 42 इंच हो जाता है, तो इसका भी हम 4th पार्ट लेंगे। हिप राउंड का भी हम 4th पार्ट लेंगे, इसलिए हमने यहाँ पर 11.5 इंच लिया है। और हमारी जो फिटिंग होती है, यहाँ पर देखिए, हमने 3.5 इंच पर इस जगह पर यहाँ से लिया, और इससे ऊपर हमें 1 इंच कम लेंगे। या आप अपनी फिटिंग नाप भी सकते हैं, 1 इंच या 0.5 इंच कम ले सकते हैं, और इस तरह से हम निशान लगाएंगे। इससे हमारी फिटिंग भी बेहद ही अच्छी आएगी, और जब हम इससे स्लीव अटैच करेंगे तो उसमें भी कोई झोल नहीं आएगा। और जो हमने फिटिंग का निशान लगाया, इससे 2-2 इंच एक्स्ट्रा हम कपड़ा ले लेंगे और यहाँ पर निशान लगा लेंगे। और जितना हमने हिप राउंड पर निशान लगाया है, बिल्कुल इसी तरह से हम नीचे तक भी निशान लगा लेंगे, मतलब 11.5 इंच पर और 2-2 इंच एक्स्ट्रा। कुर्ती की लंबाई हमारी 38 इंच है, जितनी भी हमारी कुर्ती की लंबाई होती है हम उसे 3 इंच एक्स्ट्रा ले लेते हैं, क्योंकि नीचे से हमें कपड़ा फोल्ड भी करना होता है। इस तरह से यहाँ पर भी 2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए, और यहाँ से बिल्कुल सीधे निशान लगाना, क्योंकि अगर यहाँ पर गोलाई आ गई या कुछ भी हुआ तो हमारे पल्ले कभी भी सीधी तरह से नहीं फोल्ड होंगे। और जैसा कि कई बार दिक्कत आती है, हमारी कुर्ती बनकर तैयार हो जाती है, उसके कंधे गिरते हैं, तो उसकी वजह से बड़ी दिक्कत होती है। तो आप इसके लिए ऐसा करिए, अगर आप अपने कुर्ती का जो गला है, मतलब बैक का जो गला होता है, अगर उसको आप बड़ा बनाना चाहते हैं तो आप अपना तीरा 0.5 इंच कम लीजिए। जैसे मैंने यहाँ पर 6.5 इंच लिया है, अगर आपको गला बड़ा बनाना है तो यहाँ से 6 इंच लीजिए, तो इससे भी कंधे कभी नहीं गिरेंगे। और यदि आप फिर भी इस तरह की आपको कोई दिक्कत आती है तो आप यहाँ पर चिट बटन जो होती है वो लगा सकते हैं, उससे भी काफ़ी हेल्प होती है। आप 0.5 इंच तीरा कम लीजिए, वो सबसे बेस्ट ऑप्शन है। इस तरह से हम अपनी कुर्ती की फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लेंगे। फ्रंट पार्ट की कटिंग के बाद बैक पार्ट बहुत ही आसानी से कट हो जाता है, क्योंकि हम इसी तरह से कपड़े को फोल्ड करके फ्रंट पार्ट को उसके ऊपर रख देते हैं। देखिए, हम यहाँ से साइड में से जितना हमारा फ्रंट पार्ट है उतनी ही लंबाई लेते हुए इसको बिछा लेंगे इस तरह से। और एक्स्ट्रा जितना फैब्रिक है वो हमारी स्लीव्स के लिए, या अगर हमें कोई डिजाइन बनाना है तो उसके लिए काम आएगा। देखिए, इस तरह से हम फ्रंट पार्ट को इसके ऊपर रखकर बिल्कुल इसी तरह से इसकी कटिंग करेंगे। दोनों पार्ट की कटिंग एक ही तरह से होती है, बस इसमें यह फर्क हो जाता है कि जो हमारा फ्रंट पार्ट है उसके आर्मोल में हम गोलाई थोड़ी ज़्यादा ले लेते हैं। पहले हम दोनों पार्ट की कटिंग करेंगे, उसके बाद आर्मोल की हम गोलाई थोड़ी सी एक्स्ट्रा करेंगे, 0.5 इंच अंदर की तरफ, ताकि बाजू की फिटिंग बिल्कुल अच्छे से आए। तो देखिए, हमने दोनों पार्ट की कटिंग कर ली है, और अब हम फ्रंट पार्ट में आर्मोल की 0.5 इंच एक्स्ट्रा गोलाई करेंगे। आइयो फ्रेंड्स, आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। थैंक यू।